बच्चों, आज इस लेक्चर में मैं आप लोगों को एक खास इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। मुझे रोज़ाना बच्चों के मैसेज आते रहते हैं नोट्स के ताल्लुक से, लेक्चर्स के ताल्लुक से। तो मैं आप लोगों को आज इस लेक्चर में यही सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आप आसानी के साथ में नोट्स अगर आपको चाहिए या फिर कोई स्टडी मटेरियल आपको चाहिए तो आप कैसे उसको हासिल कर सकते हैं। बच्चों, आप लोगों को मैं बता दूँ, मेरे अभी तक के मतलब जब मैंने चैनल बनाया था उस वक्त में मेरा कोई ऐप नहीं था। तो उस टाइम पर मैं जो नोट्स हैं वो उस टाइम पर ऐसा होता था कि नोट्स जो है मैं कुछ टेलीग्राम चैनल वगैरह के ऊपर बच्चों को प्रोवाइड कर देता था, लेकिन अभी मेरा खुद का एक अपना ऐप है और इस तरीके से जो है नोट्स मैं उसके अंदर जमा भी कर देता हूँ जो बच्चों को आसानी से मिल जाती है। और इसी के साथ में कुछ रिकमेंड भी करता हूँ बच्चों को। जैसे यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर मेरे दो नंबर दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर ये दोनों ही मेरे खास नंबर है। जो पहले वाला नंबर आप देख रहे हैं ऊपर का जो ये नंबर है, ये वाला नंबर, ये नंबर मेरा व्हाट्सएप स्टेटस के लिए, मतलब जो बच्चों को स्टेटस के ऊपर जब भी कभी कोई मैं लेक्चर बनाता हूँ, कोई नया लेक्चर, चाहे वो क्लास 11 का हो, चाहे क्लास 10 का हो, चाहे क्लास 12 का हो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट का, जब भी कोई लेक्चर मेरा अपलोड करता हूँ या लाइव लेक्चर लेता हूँ, तो मैं अपने इस चैनल, अपने इस नंबर के व्हाट्सएप के स्टेटस पर वो लिंक को जब के जब ही रख देता हूँ। तो जो बच्चों के पास में मेरा ये नंबर सेव रहता है तो वो नंबर उन लोगों को वो मेरा स्टेटस दिखाई देता है और वो उसके जरिए से आसानी के साथ में मेरे क्लास के अंदर जुड़ सकते हैं। इससे उनको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि कैसा है, अभी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो वीडियोज़ है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, इसमें बच्चों को ढूंढने में काफ़ी दिक्कतें हो जाती है। तो इसलिए जो बच्चे मेरे ऐप के ऊपर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं तो उनके पास अगर मेरा ये नंबर सेव है तो वो मेरा स्टेटस देख सकते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस देख सकते हैं, जिसके ऊपर उनको जो लिंक है यूट्यूब लेक्चर की लिंक वो वहाँ से मिल जाती है। कभी कोई अगर मैं नोट्स अपलोड करता हूँ अपने क्लास के अंदर, अपने ऐप के अंदर, तो उसके बारे में भी मैं इंफॉर्मेशन अपने स्टेटस पे रख देता हूँ। अब दूसरा जो है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं लिंक ऑन मैसेज का जो नंबर, यहाँ पर ये वाला जो मेरा नंबर है ये मेरा पर्सनल नंबर है। पर्सनल नंबर मीन्स ये वाला सिर्फ व्हाट्सएप के लिए, जो स्टूडेंट के लिए मैंने बनाया हूँ, ये वाला 9075123211, ये वाला मेरा नंबर जो है ये स्टूडेंट के लिए है, जिसके ऊपर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ये वाला नंबर जो है मेरा ये सभी को दिया हुआ है। तो इससे इसके स्टेटस के ऊपर मैं नहीं रखता हूँ ज़्यादातर, इसके ऊपर खास बात जो रहती है इंफॉर्मेशन वही मैं रखता हूँ। बाकी जो लिंक वगैरह की नोट्स की या किसी भी तरीके की लिंक मैं इसके ऊपर नहीं रखता हूँ, ये नंबर जो है मेरा खास नंबर है। अब जो बच्चों को अब मैसेज के जरिए से, जैसा मैं क्या करता हूँ कि अभी मुझे रोजाना बच्चों के मैसेज आते रहते हैं, और ऐसे में कैसा है मैं सभी को एक 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 करके अगर नोट्स प्रोवाइड करूंगा तो मेरा दिन पूरा इसी में चला जाएगा। तो इसीलिए अब मैं क्या करता हूँ कि एक एक सेपरेट सेपरेट तो किसी को नहीं भेज पाता हूँ, और ऐसा अगर मैं करूंगा तो मेरा तो पूरा दिन उसी में जाएगा, क्योंकि मुझे रोजाना बच्चों के मैसेज आते हैं नोट्स के लिए, लिंक के लिए, या किसी भी तरीके की कोई भी अगर उनको मदद चाहिए होती है। तो इसलिए अब मैंने क्या किया हूँ, व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना लिया हूँ। आपको पता होगा बहुत सारे बच्चों को ब्रॉडकास्ट ग्रुप क्या होता है। ब्रॉडकास्ट क्या होता है, व्हाट्सएप जैसे अपना व्हाट्सएप ग्रुप होता है वैसे सेम ब्रॉडकास्ट भी होता है, ब्रॉडकास्ट ग्रुप भी होता है। इसमें क्या होता है कि अपन एक साथ सभी बच्चों को उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकते हैं वैसे ब्रॉडकास्ट ग्रुप में भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर जब कभी हम ग्रुप, इस ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप के यानी ब्रॉडकास्ट ग्रुप के अंदर कोई मैसेज अगर हम डाले तो वो सभी को जो है ना पर्सनली सभी को सेपरेट सेपरेट पहुंच जाता है उनके चैट बॉक्स में। यानी ऐसा नहीं कोई ग्रुप में जैसे दिखाई नहीं देता है, ऐसा नहीं कि मैसेज कर रहा है कोई भी देख पाएगा, नहीं, जो भी मैं मैसेज इसके अंदर मैंने इसी तरह एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया हूँ उसमें वो बच्चों को मैं ऐड कर देता हूँ। जब भी किसी का मुझे मैसेज आता है कि सर हमें नोट्स चाहिए, सर हमें लिंक चाहिए, तो मैं उनका नंबर अपने पास में सेव कर लेता हूँ और उसका व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के अंदर भी उसको ऐड कर देता हूँ। उसमें होता फायदा उसका ये है कि जब भी कभी कोई लिंक मुझे भेजनी होती है तो मैं उस ग्रुप में डाल देता हूँ, ब्रॉडकास्ट ग्रुप में डाल देता हूँ, जिससे वो सभी को पर्सनली सभी को पहुंच जाती है। इससे मेरा भी टाइम बच जाता है और बच्चों को भी जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जैसे नोट्स वगैरह या व्हाट्सएप ऐप के जो क्लासेस की लिंक वगैरह है, यूट्यूब चैनल की लिंक्स है, वो आसानी से उनको पहुंच जाती है। तो ये मेरा रोज़ाना का शेड्यूल होता है, जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं वो व्हाट्सएप ग्रुप, ब्रॉडकास्ट ग्रुप के अंदर वो लिंक या नोट्स वगैरह कुछ ना कुछ भेजते रहता हूँ।
तो आप लोगों को मैं ये बोलूँगा कि ये मेरे दोनों नंबर है जो आप अपने पास में सेव करके रख लीजिए, क्योंकि ये अगर आप मेरा चाह रहे हैं कि आपको स्टेटस के जरिए से रोज़ाना पता चल जाए कौन सा लेक्चर मैं कब अपलोड कर रहा हूँ, तो कोई भी सब्जेक्ट का हो, लाइव क्लास कब आने वाली है, मैं उसका टाइम इसके ऊपर रख देता हूँ, ये सारी चीज़ें जो है मैं अपने इस व्हाट्सअप के स्टेटस के ऊपर रखता हूँ। ये वाला जो है ये नंबर इसलिए सेव करना है कि अगर आपको डायरेक्ट मैसेज के जरिए से, कैसा है व्हाट्सअप स्टेटस का एक लिमिट होती है सभी को पता है कि 24 घंटे के अंदर वो चला जाता है, अगर किसी ने मेरा 24 घंटे के अंदर स्टेटस नहीं देखा तो अब वो मिस हो जाएगा। ऐसे में मैं क्या करता हूँ, बच्चों को मैसेज भी भेज देता हूँ साथ ही साथ, तो वो मैसेज जो है मैं इस नंबर से भेजता हूँ। तो ब्रॉडकास्ट ग्रुप के जो है, जो बच्चों के पास में मेरा ये नंबर सेव है, ये नंबर तो है स्टेटस के लिए, जिसके पास ये वाला नंबर सेव रहेगा वो स्टेटस देख पाएंगे, और जो लोग ये नंबर सेव करेंगे उनको मैं ब्रॉडकास्ट ग्रुप मतलब ऐड कर पाऊंगा और उनको मैसेज कर पाऊंगा। एक बात खास होती है ब्रॉडकास्ट ग्रुप में, जिन बच्चों के पास मेरा ये वाला नंबर सेव होगा, मैं मैसेज उन्हीं को मेरा मैसेज पहुंच पाएगा। मतलब अगर मैंने मैसेज आपको भेजा और आपके पास मेरा नंबर सेव नहीं है तो आपको मेरा मैसेज आएगा नहीं, मेरे तरफ से तो डिलीवर हो, मेरे तरफ से तो सेंड हो जाएगा, टिक आ जाएगा उसके ऊपर, ऐसे जब हम किसी को मैसेज करते हैं तो एक सिंगल टिक आ जाता है, ऐसे मेरे तरफ तो सिंगल टिक आ जाएगा उसके ऊपर, लेकिन आप लोगों को पहुंचेगा नहीं वो, इसलिए क्योंकि आपके पास में मेरा नंबर सेव नहीं है। तो आप लोग मेरा ये नंबर सेव कर लीजिए, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, आप बेफिक्र रहिए, आपकी इन्फॉर्मेशन सेफ रहती है मेरे पास में। आज से मैंने चैनल नहीं बनाया हूँ, मेरा चैनल 2 साल पहले से है और मेरे पास रोजाना बच्चों के मैसेज आते रहते हैं, तो मैं सभी के नंबर अपने पास में सेव करके रखता हूँ और सेफ रखता हूँ। मैं भी जानता हूँ आप बड़े, सभी की इन्फॉर्मेशन होती है, सभी अपने अपने बारे में सोचते हैं, तो मैं अपने तरफ से, आप मेरी तरफ से पूरी गारंटी ले सकते हैं, अगर कोई चाहे मुझसे मिलना तो आ सकते हैं, अमरावती शहर में मैं रहता हूँ, यहाँ पर आप मुझसे मिल भी सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको यहाँ पर दिया हूँ, ये है मेरे नंबर के ताल्लुक से। तो जो स्टेटस के जरिए से जिसको लिंक नोट्स वगैरह ये सारी चीज़ें चाहिए वो ये नंबर को सेव कीजिए, और जिसको मैसेज के जरिए से चाहिए, जैसे मैंने बताया हूँ व्हाट्सअप जो स्टेटस होता है वो 24 घंटे के अंदर चला जाता है, लेकिन जो मैसेज मैं आपको भेजता हूँ वो हमेशा रहता है, इसलिए आप ये नंबर को भी सेव करके रख लीजिए। और हाँ, एक बात का ख्याल रखें, मेरा नंबर सेव करने से कुछ नहीं होगा, आपको मुझे एक मैसेज कर देना होगा। आप मैसेज मुझे इस तरीके से कीजिए कि आप अपना नाम बताना चाहे बता सकते हैं, या फिर अगर ना भी बताए तो आप एटलीस्ट अपना उसके अंदर मीडियम क्या है और क्लास क्या है ये जरूर बताया करें। बच्चों के मैसेज आते हैं लेकिन वो अधूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे अगर कोई बच्चा क्लास 11th में है तो मुझे बता दे कि 11th साइंस में है, कोई बच्चा क्लास 12th में है तो मुझे वो ये सारी चीज़ें बता दे। तो आपको मैं क्या क्या, आप जब मुझे जब भी कभी मैसेज करो, जब भी कभी ये वीडियो देखकर कोई बच्चा मुझे मैसेज करेगा तो इतनी चीज़ें ज़रूर मुझे बताए ताकि मुझे आप लोगों को क्या चाहिए ये पता चल जाए। तो जैसे आप लोग मुझे एटलीस्ट ये बता दीजिए, नाम आप बता सकते हैं, बेफिक्र रहिए, उसके बाद में आपको, आप कौन सी क्लास में हो, 11th में हो या 12th में हो या 10th में हो ETC, ये बताइए ताकि मुझे पता चले, ठीक है। उसके बाद आप अगर मुझे ये भी बता देते हो कि आपको कौन से सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, क्या आपको नोट्स चाहिए या फिर आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप वो भी मुझे आसानी से पता चल जाए। अब बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, सर फ्री स्टडी मटेरियल कहाँ से डाउनलोड करें, तो फ्री स्टडी मटेरियल जो है वो मैंने अपने ऐप के अंदर डाल दिया हूँ। अब जैसा कुछ स्टडी मटेरियल मेरे पास में फ्री स्टडी मटेरियल, बाकी तो मेरा जो ऐप में है कुछ पेड है जिसकी कुछ फीस वगैरह है, जैसे कुछ क्लासेस वगैरह है मेरे ऐप में, ऑनलाइन क्लासेस भी है मेरे ऐप के अंदर, और कुछ फ्री स्टडी मटेरियल है। फ्री स्टडी मटेरियल जैसे कि आपको कैसे मिलेगा, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वीडियो मैंने अपने ऐप का एक इस तरीके से ले लिया हूँ, जब आप मेरे ऐप में जाओगे तो इधर के साइड में, ये वाले साइड में आपको 3 लाइन दिखाई देंगी, जब उसके ऊपर टिक करोगे तो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन दिखाई देंगी वहाँ पर ऐसे। तो इसमें आप जो देख रहे हो यहाँ पर स्टडी मटेरियल दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पर जो आप देख रहे हो सभी लोग, यहाँ पर जो है आपको एक स्टडी मटेरियल दिख रहा होगा। जब इसके अंदर आप स्टडी मटेरियल में जाओगे तो आपको वहाँ पर ऐसे कुछ फोल्डर बने हुए हैं, इन फोल्डर के अंदर से अब आप अपने हिसाब से देखिए आपको क्या चाहिए उसमें से, अगर आपके कुछ काम कर रहा तो आप उसमें से डाउनलोड कर लीजिए, इसमें से डायरेक्ट डाउनलोड होता है। जब भी कभी कोई नोट्स मुझे अपलोड करनी होती है या फिर कुछ नोट्स आपको भेजनी होती है, तो अब मैं आजकल क्या कर रहा हूँ, अपने ऐप के अंदर डाल दे रहा हूँ। उसमें फायदा मुझे ये होता है कि एक बार मैंने अपने ऐप के अंदर डाल दिया तो उसमें क्या होता है कि बच्चों को फिर मुझे बार बार सबको भेजने की जरूरत नहीं, मेरे ऐप के अंदर वो हमेशा सेव रहता है, जो बच्चा उसके अंदर जाकर देख लेता है तो उसको वहां से वो नोट्स डायरेक्ट मिल सकती है। ये जैसे कि आपको यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लेकर डाला हूँ उसके,
जैसे बेसिक साइंस की उसके अंदर नोट्स है, उसके बाद में नीट उर्दू मीडियम की उसके अंदर नोट्स है सभी सब्जेक्ट की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, एनसीईआरटी की उसके अंदर नोट्स है, क्लास 11 की भी है, 12 की भी है, एमएसटी सीईटी की जो है नोट्स उसके अंदर ऐड कर रहा हूँ मैं अभी, इंग्लिश मीडियम की ऐड किया हूँ, उर्दू मीडियम की तो रहती नहीं है वैसे उसकी, लेकिन फिर भी उसके अंदर ऐड करना शुरू, ऐसे मैं नोट्स उसके अंदर ऐड करते रहता हूँ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको दिया हूँ अपने ऐप के ताल्लुक से और अपने नंबर के ताल्लुक से। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर ज़रूर बोलूँगा ये मेरे नंबर है, आप इन नंबर्स को अपने पास में सेव करके रखिए, क्योंकि ये अगर आपके पास में मेरे नंबर सेव है तो ऐसा समझ लीजिए कि आप लोगों को वो जो भी नोट्स आप चाह रहे हो, जो लिंक्स चाह रहे हो, आपको आसानी के साथ में मिल जाएंगे। इस तरीके से मैं यहाँ पर आज का फिलहाल का लेक्चर खत्म करता हूँ। एक यूट्यूब लेक्चर मैं ऐसा बनाऊंगा, उसमें मैं अपने यूट्यूब चैनल के ताल्लुक से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, किस तरीके से आपको कहाँ पर क्या चीज़ मिलती है। बहुत सारे बच्चों को यूट्यूब अच्छे से चलाना आता है, किसी किसी को उसमें दिक्कत होती है, बहुत सारे बच्चों को जिसको पता होता है तो वो सारी चीज़ें उसमें से ढूंढ लेते हैं, किसी किसी को पता नहीं चल पाता है। तो अभी मैं आपको एक लेक्चर ऐसा देने वाला हूँ जिसके अंदर मैं अपने यूट्यूब का ट्यूटोरियल आपको दूंगा, किस तरीके से मेरा यूट्यूब है, कहाँ पर कौन सी चीज़ है उसके अंदर अवेलेबल, जिससे आपको आसानी के साथ में वो मिल जाए और आप उस पर देख लो। आज का लेक्चर मैं खत्म करता हूँ, इसके बाद अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम रहा, कुछ भी पूछना रहा, तो यहाँ पर मेरे नंबर मैंने जो दिया हो उसके ऊपर मुझे एक मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों की जो मदद है वो की जाएगी। यहाँ पर मैं लेक्चर को ख़त्म करूँ।